हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजी रिव्यू। मैंने बताया था सेल चल रही है, तो मुझे आज दूसरा प्रोडक्ट रिसीव हुआ है जो है एक हार्ड डिस्क। जो मैंने सीगेट का एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ऑर्डर किया था, जो मुझे आज फ्लिपकार्ट से रिसीव हुआ है। 1 TB का ये हार्ड डिस्क है। चलिए देखते हैं कि कैसा ये हार्ड डिस्क है, क्या स्पीड है, किस कलर का है, सब कुछ मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये हार्ड डिस्क मुझे रिसीव हुआ है। पैकिंग की बात करें तो पैकिंग काफी अच्छी है। सो ये हार्ड डिस्क 1 TB की है। ये देखिए, ये USB मिला इसके साथ एक। ये और ये USB इसके साथ मिला है। ये दो चीजें मिली है मुझे। 1 TB की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, जिसका प्राइस जो मुझे मिली है 3499 में ऑफर में। ग्राफिक ग्रे कलर का है, विंडोज पर इसमें ऐसा लिखा है कि ये विंडो सपोर्ट करता है 7, 8, 10 पर। ये मैक पे सपोर्ट करता है, और मैक पे भी और विंडो पे भी। तो मैं इसका डेमो भी करके दिखाऊंगी अभी आपको कि कैसे ये विंडो पे सपोर्ट कर रहा हो। तो मैं देखूंगी कि ये विंडो पे कैसे सपोर्ट कर रहा हो, मैक पे भी कैसे सपोर्ट। मुझे ये हार्ड डिस्क 3 ईयर्स की वारंटी के साथ मिला है। चलिए अब हम अपना डेमो स्टार्ट करते हैं, विंडोज पे पहले, फिर मैक पे। तो सबसे पहले हम माय कंप्यूटर पे जाएंगे विंडोज़ में, और ये या तो माय कंप्यूटर या तो दिस पीसी। तो मेरे में दिस पीसी है, तो मैं इस पर जाऊँगी। और इसमें देखिए सीगेट डिस्क, मैंने वो हार्ड डिस्क लगाई है, तो ये यहाँ पर आ गई है सीगेट की। सो क्लिक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें कुछ सॉफ्टवेयर मिले हैं और कुछ फाइल्स रीड करने के लिए। तो अब हम दिस पीसी में जाएंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ सीगेट डिस्क आ गई है। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो सबसे पहले हम दिस पीसी में जा कर के मैनेज में जाएंगे। ये हमने मैनेज पे क्लिक किया। अब हम अपने डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे और देखेंगे कि कितना स्पेस है हमारे हार्ड डिस्क में। सो ये सी ड्राइव है और ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में आप देख सकते हैं ये प्राइमरी पार्टीशन है। अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं अपने हार्ड डिस्क को। हम जाएंगे श्रिंक वॉल्यूम में, जिससे हम देखेंगे कि हाँ कितना स्पेस है। तो यहाँ हम अपने हार्ड डिस्क को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सो हम डिवाइड कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने कैलकुलेटर को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेटर पे जाएंगे और हम अपने डिस्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो अब हम इस हार्ड डिस्क को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सो
तो अब हमने अपने इसको डिवाइड कर लिया है डिस्क को। ये देखिए अब हमने तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया अपने डिस्क को। अब हम इसकी स्पीड चेक करेंगे। थ्री पार्ट में डिवाइड होने के बाद अब हम इसकी स्पीड चेक करेंगे कि रीड और राइट स्पीड क्या दे रही है। सो हम एक टेस्ट फाइल ले लेंगे। ये टेस्ट वीडियो फाइल एक हमने ले ली और हम इसको अपने हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करके देखते हैं कि क्या स्पीड दे रहा है। सो कॉपी, हम इसको हार्ड डिस्क में पेस्ट कर देंगे। ये हमने पेस्ट कर दी तो सो एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि राइटिंग स्पीड हमें दे रहा है 91.3 MBS। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड नहीं है, बट ओके ओके स्पीड है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम इसमें रीडिंग स्पीड भी चेक करेंगे कि रीडिंग स्पीड इसकी क्या दे रहा है। इसको सी ड्राइव में पेस्ट करके देखेंगे, देखेंगे क्या स्पीड दे रहा है। सो हमने पेस्ट किया तो ये स्पीड दे रहा है 801 MBS। रीडिंग स्पीड काफ़ी अच्छी दिया है इसने मैक पे। अब हम अपने हार्ड डिस्क को रिमूव कर देंगे यहाँ से टास्क बार से जाके। ये हमने हार्ड डिस्क रिमूव कर दी। अब हम मैक पे टेस्ट करेंगे इसको। सेम प्रोसेस है मैक पे भी, तो अब हम मैक पे भी टेस्ट करके देखेंगे इसको। तो चलिए अब हम मैक पे हार्ड डिस्क को यूज़ करके देखते हैं। तो हमने हार्ड डिस्क लगा लिया है और यहाँ देखिए न्यू वॉल्यूम लिख के आ गया है। ये देखिए हमने पहले से ही विंडोज़ पे थ्री पार्ट में डिवाइड कर लिया था हार्ड डिस्क को। सो ये देखिए इधर आ गया है, जो हमने टेस्ट वीडियो पेस्ट किया था ये ऑलरेडी इसमें है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या इसकी रीडिंग स्पीड है मैक पे और राइटिंग स्पीड क्या है। तो सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं टेस्ट वीडियो को और डाउनलोड्स में पेस्ट कर देंगे या कहीं पर भी जहां आपको पेस्ट करना हो। सो हमने पेस्ट किया है, पासवर्ड मांग रहा है, इसमें हम पासवर्ड डालें। सो अब हम इसकी राइटिंग स्पीड देखेंगे मैक पे। तो मैक पे हमें मिल रहा है 402.7 MB। ओके स्पीड है, बहुत ज़्यादा नहीं है मैक पे। अब हम रीडिंग स्पीड चेक करेंगे तो एक वीडियो कोई सो अब हम कोई एक वीडियो ले लेते हैं डाउनलोड्स में से और हम उसको अपने हार्ड डिस्क में पेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी रीडिंग स्पीड क्या मिल रही है। सो हमने एक वीडियो ले लिया है, कॉपी कर लिया, अब हम इसको पेस्ट करेंगे। तो हम पेस्ट कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं 805 MB के स्पीड से ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड है। कंपेयर करें रीडिंग राइटिंग स्पीड से ज़्यादा बेटर स्पीड है रीडिंग की। हमारा हार्ड डिस्क का फाइल फॉर्मेट NTFS है,
मैक पर NTFS फाइल फॉर्मेट में राइटिंग सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए NTFS अलग से ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर रखा है जिससे कि हमारा हार्ड डिस्क राइट भी कर सके। आप देख सकते हैं कि हमारा हार्ड डिस्क राइटिंग सपोर्ट करे, इसलिए हमने NTFS पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अब हम हार्ड डिस्क को निकाल लेंगे, इजेक्ट ऑल। तो हमने हार्ड डिस्क रिमूव कर दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।